हम लोग आज आए थे आपसे बुगाटी के मॉडिफिकेशन के बारे में, तो उसमें क्या क्या करोगे भैया गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन? उनसे बात करके आया, बुगाटी में क्या क्या कर सकते हैं मॉडिफिकेशन? सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। मम्मा अभी ना ये पनीर डाल रही है जो मेरे को उसको डालना है। और मम्मा क्या हाल है? बस ठीक है। आपके लिए बुगाटी के, बुगाटी के तो बहुत अच्छे हैं। इसमें सारे शूज डाल दिए ना आपने? हाँ, सब डाल दिए। इसमें शूज आ गए, इसमें कपड़े आ गए हैं। और ये क्या है? क्या ये क्या रख लिया है? ये पिताजी आपके, पापा जी यहाँ साथ लेके जा रहे हैं। इंडिया गेट के बाद फिर वहाँ जाएंगे सीतू बे के पास में, बिकॉज उनसे बड़ी बात भी करनी है मॉडिफिकेशंस के बारे में कि क्या क्या करवाना गाड़ी में मॉडिफाई। तो चलो अपने करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। घड़ी पहन रखी है घर में, ये बंद हो जाती है नहीं तो उसको सुबह के लिए उसको घुमाओ ना, घुमा के सारी मैंने सुबह की तैयारी कर अच्छा। रही हूँ ताकि सुबह नींद में होंगी तो ये, और आज के बाद सुबह की फ्लाइट नहीं लोगे। मेरे को ना एक्चुअली जाना है भैरव बाबा जी के मंदिर, तो वहाँ पे मेरे को कल भी जाना था और मेरे को आज भी वहीं जाना है। थैंक यू भैया। अच्छा हम जा रहे हैं फिलहाल यार ये करेंसी कराने के लिए एक्सचेंज, बिकॉज नोट भी चेंज कराने हैं ना। सबसे बड़ा कमिलियन रैप गाड़ी में, व्हेन एवर आई सी मॉडिफाइड कार्स ना मेरे को लगता है बढ़िया, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू ड्राइव नॉर्मल कार्स, स्टॉक कार्स सॉरी। ये स्पाइस जेट वाले इतने ऐसे घटिया लोग हैं ना, स्पाइस जेट वाले अपने आप ही फ्लाइट कर देते हैं रिशेड्यूल, और ऐसी फ्लाइट देते हैं कि बंदे के सामने वाले की लग जाए। मेरी फ्लाइट थी 9:30 बजे की दिन की, मुझे फ्लाइट दे रहे हैं अगले दिन आपके 10 बजे की। जस्ट अभी करेंसी करवा ली है एक्सचेंज मैंने, और भाई स्पाइस जेट का चक्कर इस बार भी नहीं, जब मैं पहली बार जा रहा था ना देहरादून 2019 में, तब भी इन्होंने ऐसे करी थी हरकत मेरे साथ में कि फ़्लाइट अपने आप कर दी थी रीशेड्यूल, और हम बैठे हुए हैं प्लेन में, सारे बंदे प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं और प्लेन उड़ा ही नहीं। एक घंटे के बाद उन्होंने बोला फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और उसका जो अभी तक रिफंड है 2019 से आज तक मेरे को रिफंड नहीं आया। नहीं नहीं सर जी, आप तो दोस्त हो हमारे। ये तो सर ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ गली। नमस्कार बोलो। नमस्कार सर। यहाँ पर जो जाम लगता है ना नॉर्मल डेज पे वो बहुत खतरनाक होता है, वैसे आज संडे का दिन है इसलिए तो हम अभी वहाँ भी जाएंगे जीतू भाई के पास में। हाँ भाई गिटोर नहीं चलेंगे। यस बिकॉज फिर तो मैं कल तो निकल जाऊंगा ना। अंकल जी सबको बहुत गाली देते हैं। अच्छा हाँ, ऑफ कैमरा तो ऐसे अरे गालियां ट्रेंड में है आजकल, जो गालियों का फैशन चल रहा है देख देख मासी हमेशा बिना नहीं रहती है घर के अंदर, कभी नहाती ही नहीं है। गाइस एंट्रेंस पे ही उरुस खड़ी हुई है खान मार्केट की, बस यहीं पे ही खड़ी होती है हमेशा उरुस। डिफेंडर्स की पूरी यहाँ पे रैली लगी हुई है, एक डिफेंडर दूसरी तीसरी और चौथी पीछे ब्लैक, चार डिफेंडर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना ये, और सबके सब ड्रिंक कर रहे हैं। एक्चुअली मैं कहता हूँ मंदिर में क्या हो गया भाई, हुआ क्या? अरे भाई यार हम भाई मंदिर गए थे भैरव जी के, और भाई उसके बाद में क्या हरकत हुई है उसके हाथ में एक बॉटल लेके आया था मैं विस्की की। हां जी YouTube पे बनाओ आप। मैं बना रहा हूँ भैया YouTube तो YouTube बना। भाई इतनी ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा भीड़, सब लोग आ रहे हैं ग्लास आके कर रहे हैं और सबको भाई दे रहे हैं हम लेकर, लेकिन अलग ही सीन भाई। दिन में अंकल जी पी के बैठे हुए हैं लोग, ये देखो। हां जी अरे भैया खत्म हो गई, बांट दी मैंने पूरी। इतनी ज्यादा भीड़ है यार जू के बाहर, जो पार्कुर जाम है ना ये जू का है यार, पूरा जू का भीड़ है। नेशनल जू इसे हम 2017 में आए थे। जो मंदिर था ना वो बिल्कुल लाजपत नगर से थोड़ा सा पास था, तो अभी हमको जाना था जीतू भाई के पास में, तो इसलिए लाजपत नगर अभी आया। यहाँ से पैक कराता हूँ सैंडविच, बिकॉज सैंडविच की थोड़ी भूख भी थी और सैंडविच की थोड़ी क्रेविंग भी थी। चलो चलते हैं। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा डोलमा आंटी के मोमोज का, बट ट्रस्ट मी आना वर्थ नहीं है अगर अभी ट्राई करते हो तो। इसका ना सबको फेमस है यहाँ पे, ये लाजपत नगर में। मैंने एक स्लश लिया अंकल के लिए, बाकी सैंडविच वगैरह यहाँ बन रहे हैं। बना दो यार भैया जल्दी, कर दो जल्दी यार। ये स्लश ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी है इस चक्कर में, पूरा इधर उधर गिरी जा रहा है, इतना इतनी टाइम लगा दिया भाई। इतनी जा करके बाद में ये खाना मिला है आपका स्लश ने अंकल जी मेरे को रुला दिया। अच्छा उठाओ सैंडविच, बर्गर तो खाओगे ही, पहले ये खाओ गर्मा गर्म। मेरे को चिराग भैया जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ फोन करते हैं भाई मेरे लिए, मैं देखो पैसे पेटीएम कर रहा हूँ। अब उनको मैंने मना कर दिया तो कह रहे हैं भाई तू ऐसे कर रहा है अगली बार मैं यहाँ पर आऊंगा। मैंने बोला भाई लास्ट टाइम तू यहाँ पे कब आया था? कह रहा 2 साल पहले। और वैसे भी अभी तो घर जाना नहीं हमें, ये तो पैक उनके करा लेता, बट आज हमको घर जाना नहीं है, इसके बाद जीतू भैया के पास में दिल्ली के बेस्ट मोमोज
बहुत टेस्टी है अंकल ये, आपको मैं खिलाऊंगा। आपको अभी किसी से दुश्मन नहीं हो ना, उसको यहाँ ले आओ। कुतुब मीनार से हम सीधा जा रहे हैं छतरपुर, होते होते राइट ले लेंगे। आप अंकल जी यस बहुत बोलते हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है? यस क्या रहस्य क्या है बताओ? जब सही होता है ना, जो कभी नो भी बोल दिया करो उसको। नहीं, सही के ऊपर यस ही बोला जाता है। आप अंकल जी चोरी करते हो? यस। क्या कर रहे हो अंकल जी, इतना पानी निकाल रहे हो? पानी डालना पड़ता है भाई, गर्म हो जाता है। क्या हाल है जी? तो सर बढ़िया भैया, गाड़ी कर रहे हो? कर रहे हैं पूरी। क्यों बुगाटी भी करनी है आपको? बुगाटी ले लो भैया, मैं तो कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा बुगाटी को। सोच लो 101%। लैम्बो सामने खड़ी हुई है एंड ऐसी लग रही है, पूरी की पूरी गाड़ी खोल दी जी तो भाई ने आगे से, तो देखो रेडी है, लेकिन अभी गाड़ी एक्चुअली रैप होनी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे देखो कैसे भैया ने पूरा सब कुछ खोल के खोल खाल के, लग ही नहीं रहा भैया लैम्बो है यार, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या खड़ा है। सारे पार्ट्स खोल खाल के गाड़ी के अंदर रख दिए, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया वो गाड़ी के साथ में, कहीं लगभग ना गई हो। अच्छा टचवुड ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत क्रेजी लग रही है। और जिसका जब रैप मैं करवाऊंगा ना, बिकॉज इस बार मैं करवा रहा हूँ गाड़ी पे प्रिंटेड रैप, तो पूरे डोर वगैरह पे प्रिंटेड रैप जो होकर के आएगा ना, लगेगा बहुत ज़्यादा बढ़िया। इसके अलावा इसका जो कलर है वो भी चेंज करवा दूंगा, लेकिन भाई मेरे को ये देख के लग रहा है क्या हो गया ये, अंदर इतना कुछ पड़ा है। इसके स्पीकर वगैरह भी पूरे खोल दिए, सब कुछ ही हाथ के अंदर है इसका, लग ही नहीं रहा कि भाई क्या है ये। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये थोड़ा लगता है ना, चलो चाबी तो एटलीस्ट इंटैक्ट है। इसको ऑन कर दी ना मैंने गाड़ी, तो सारे आ जाएंगे एरर्स, ये फलाना ढिमकाना। भैया ने अपनी क्रेटा भी ना पीछे ये वाला कलर कर लिया जो ऑडी पे करवाया था ना, और अच्छा लग रहा है ये पूरी ब्लैक गाड़ी पे। ये किसने मारी है अंकल जी, सच बताना? ये तो मेरे से लगी थी जब वहाँ, लेकिन एक फिर कल लगा, ये आपसे लगा होगा। मेरे से लगा होगा? हाँ, कल मैंने गाड़ी चलाई है। हाँ, सोच लो मुझे छोड़ के आप गए थे, तो मतलब मैं गाड़ी मारता रहूंगा, तो ये आपसे लगी, ये तो मेरे से उस दिन वो मारा था। हम लोग आज आए थे आपसे बुगाटी के मॉडिफिकेशन के बारे में, तो उसमें क्या क्या करोगे भैया गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन? भैया मॉडिफिकेशन तो कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें तो रैप पीपीएफ ही होगा बस, दोनों से। अच्छा, वो पीपीएफ की कॉस्टिंग कितनी बैठेगी बुगाटी की? उसमें तो फ्री है वो तो, नहीं मतलब 32 करोड़ की अगर दुबई में है तो यहाँ पे आते आते पड़ जाएगी 70 करोड़ की, तो 70 करोड़ की गाड़ी की पीपीएफ कितने में करोगे आप? 2-4 करोड़ रुपये तो करी। उसकी ना मैंने पढ़ी थी एक जगह, जो इंजन ऑयल चेंज करने की कॉस्ट है ना वो 21 लाख रुपए है। अच्छा 21 लाख का, तो सिर्फ 4 लाख रुपए तो हमारे भी बनते हैं ना। वो तो है, बस 4 लाख इतने आपके लिए डिस्काउंट के साथ। नहीं मतलब बोल तो ऐसे रहे हैं कि 4 करोड़ की कर दूंगा, ठीक है भाई। और 4 करोड़ जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन भैया मैं लैम्बो लेके आ रहा हूँ, साथ रेस करते हैं आज रात को। आपको अच्छी लगेगी भैया रैप करने के बाद जो हम करवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल भैया, पक्की बात। चलो हम तो वैसे बुगाटी की बात करने के लिए आए थे, और कल से भैया आप वीडियो में देख लेना बुगाटी आ जाएगी। भैया ले आओ, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं, तो सच बता रहा हूँ, ले आओ उसको तो। डन डन डन, मजा आएगा उस पर काम करने का। मैंने बात करी थी इनसे पीपीएफ की। हाँ। तो मुझे लगा बोलेंगे 37,500 में। हाँ ना, ना रे भैया। चलो भैया फिर मिलते हैं, मैं आपसे आपके पास एक हफ्ते बाद आता हूँ गाड़ी देने के लिए। डन भैया, ओके जी मिलते हैं, बाय बाय बाय। आज इन्होंने टैग नहीं लगाया हुआ, नहीं तो फिर आज इनकी आप एक बार हरकत देखते हैं बड़ी अच्छी वाली। अरे ये सब तो काम के हैं, और भैया भालो तो कर ही लो, ये सब काम के बंदे हैं। हाँ। इनसे तो बिल्कुल दिल से दिल लगा के मिलो। आपने क्या बोला सर? मैंने सुना नहीं। मैंने दो बार बोला अंकल अंकल। नहीं सॉरी सर, मैंने सुना नहीं क्योंकि बड़ा तेज आवाज में। फाइनली घर पे आ चुका हूँ और भाई बहुत थक चुका हूँ, अभी चिराग भी ऐसे मिलना है बिकॉज फिर तो मैं जा रहा हूँ ना एक हफ्ते के लिए। भाई आप लोगों ने पूरा आज का व्लॉग देखा, मैं भी जीतू भाई के पास गया था, वहाँ पे पूरी गाड़ी वाड़ी देख करके आया और उनसे बात करके आया हूँ बुगाटी में क्या क्या कर सकते हैं मॉडिफिकेशन हम। हाँ बहुत ज़्यादा, बट फॉर नाउ खत्म करते हैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ही, और आपका 24 घंटे बाद तो हम कहाँ ही होंगे दुनिया के किसी कोने में, जो कि खोता रह जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, आ जाओ फॉलो कर लो एंड मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।